हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग अगर आप भी मी का टीवी यूज़ कर रहे हो या फिर कोई एंड्रॉयड टीवी यूज़ कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड फोन को एज अ माउस और कीबोर्ड यूज कर सकते हो अगर आपके पास में कोई एक्सटर्नल माउस या फिर कीबोर्ड नहीं है तो आप अपने फोन को ही बना सकते हो माउस और कीबोर्ड ऐसे मेरे पास में कुछ कमेंट्स आई थी इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कुछ ऐसे ही मी टीवी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसका नाम है सेटस प्ले टीवी रिमोट रिसीवर यह आपको अपने टीवी में इंस्टॉल करना है इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ सेटिंग्स करना होगा उसके लिए आपको क्या करना होगा अपने टी के सेटिंग में जाना होगा इसके बाद में आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स के अंदर में फिर इसके बाद में आपको जाना होगा डिवाइस प्रेफरेंसेस में इसके बाद आपको अबाउट सेक्शन में जाना होगा और दोस्तों यहां पर एक आपको मिलता है बिल्ड नंबर इस पर आपको पांच बार लगातार क्लिक करना है जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर दिख रहा है कि मैं ऑलरेडी डेवलपर हूं आपका टी में ये डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो आपको बिल्ड नंबर पर पांच बार क्लिक करना है आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा अब ये आपको मिलेगा कहाँ बैक हो जाइए इसके बाद में अब आप यहीं पे जाके देखोगे नीचे में तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर ऑप्शंस बोल के इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको दो सेटिंग्स को अलाउ करना है यहां पर है एक यूएसबी बी डिबुगिंग इसको आपको इनेबल कर देना है और दूसरा है मी टी बी ए डी बी डिबुगिंग जब आप सेकेंड वाला मी टी बी वाला ऑन करोगे तो आपका टीवी ऑटोमेटिक एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा इन दो सेटिंग को आपको करना है अपने टीवी के अंदर में अब मैं यहां से बैक हो जाता हूं अब चलते हैं फोन के अंदर में फ़ोन में भी दोस्तों आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है सर टी यूनिवर्सल रिमोट एंड्रॉयड टी वी कोडी सेटस प्ले यहाँ पर आपको ये प्ले वाला करना है और टी में रिसीवर करना है इस बात का आपको ध्यान रखना है इस ऐप को भी ओपन करने से पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है मैं यहाँ पर करंटली मी का ए यूज़ कर रहा हूँ इसके बाद में आपको सिस्टम में जाना है इसके बाद आपको अबाउट के सेक्शन में जाना है और यहां पर भी आपको बिल्ड नंबर जो है इनेबल करना होगा अपने फोन का तो यहाँ पर बिल्ड नंबर इस पे पांच बार आप क्लिक करोगे तो आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा अब देखिए कि सेटिंग के अंदर में मुझे डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर भी जाके आपको यूएसबी बी डिबिगिंग को इनेबल कर लेना देख सकते हैं मेरे केस में इनेबल है बस अब आपका जो है फोन रेडी है आपको टीवी को कंट्रोल करने के लिए अब आपको क्या करना होगा अपने टीवी में उस ऐप को ओपन कर लेना होगा जो मैंने अभी इंस्टॉल कराया था सेटस प्ले रिसीवर इसको आपको ओपन कर लेना होगा इसके बाद में आपको अपने फ़ोन में जो ऐप आप, ऐप आप आप आपने इंस्टॉल किया था इस ऐप को भी आपको ओपन करना होगा तो कुछ इस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस आप देख सकते हो साइड में फ़ोन की डिस्प्ले भी मेरी दिख रही होगी कुछ इस तरह से आपको यूज़र इंटरफेस मिलता है इसके बाद में आप देख सकते हो सबसे ऊपर में मी टी लिखा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आ टीवी दिख जाएगा जैसे मेरा मी टीवी है ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है मैं इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देख सकते हो ये कनेक्टिंग हो रहा है टीवी के साथ में अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं तो आप यहां से इसको बैक कर दीजिए क्योंकि ये आपके टीवी के साथ में कनेक्ट हो चुका है अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर फोन जो है वो टीवी के साथ कनेक्ट हो गया तो आप ऐसा रिमोट यूज कर सकते हो लेकिन मेरा मोन मोटिव था कि आप कैसे माउस यूज करोगे तो इसके लिए यहाँ पर जो चार डॉट दिख रहा है फोन में इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करना है यहाँ पर एक माउस मोड मिल जाता है इसके ऊपर मैं आपको थर्ड नंबर पर क्लिक करना है अब आपको कुछ इस तरह से यूज़र इंटरफेस यहाँ पर मिल जाता है अब यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको वहाँ पर माउस दिख जाएगा अपने टी में आप देख सकते हो कि टीवी में माउस आ चुका है अब यहाँ पर अगर आपको कुछ भी ओपन वगैरह करना है या फिर कुछ भी अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से इसको यूज़ करके देख सकते हो तो चलिए मैं यहाँ पर अगर प्राइम वीडियो मुझे ओपन करना है तो मुझे इसके ऊपर माउस लेके जाना है इसके बाद एक बार इस पर क्लिक करना है और फिर से मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि प्राइम वीडियो यहाँ पर ओपन हो रहा है आप यहाँ से इसको बैक वगैरह भी कर सकते हो तो चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर होम पे आ जाता हूँ तो यहाँ पर माउस का यूज काफी का अच्छे से आप कर सकते हो इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप जो है न्यूमेरिक कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो कुछ इस तरह से अगर आपको यूज करना है अपने टीवी में तो आप इस तरह का भी यूज कर सकते हो तो खास करके माउस वाले जो लोग थे वो यहाँ पर इस तरह से काम कर सकते हैं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो चुकी है तो अगर आप भी कोई ऐप वगैरह का यूज़ करते हो जहाँ पर माउस की रिक्वायरमेंट होती है तो आप डेफिनेटली इस तरह से यूज़ कर पाओगे अपने टीवी के साथ में आपको किसी भी बाहर से माउस या फिर कीबोर्ड को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपने फोन को एज अ माउस यूज कर सकते हैं अपने मीटी वी के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा कुछ ऐसे ही मीटी वी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में